सर, आप बीजेपी को कहते हैं कि वो पोलराइजेशन की राजनीति करती है, तो सर क्या राहुल जी मंदिर मंदिर घूम के मानसरोवर यात्रा करके अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बता के क्या वो पोलराइजेशन नहीं कर रहे जी हैं? नहीं, कतई नहीं कर रहे। वो इनकी परिभाषा को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इनकी असलियत जो ये बार बार कहते हैं राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, उनका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब देना उचित नहीं नहीं होगा? ऐसा ये नहीं होगा गलत ना सर तरह कि के आप आरोप करेंगे लगाते तो अच्छा राहुल सोमनाथ करेंगे तो मंदिर बाहर, अच्छा इन्होंने नहीं कहा सर। अपने हाथ सोमनाथ ऐसा नहीं मंदिर होगा के ना समय क्या कि आप लिखेंगे, करें तो इसका अच्छा, ये कार्यकर्ता करें ने तो लिखित में कैरेक्टर कहा, ढीला, क्या जो लिख दिया गलत इन्होंने है वो बताओ। गलत होगा, जो सही है वो सही होगा। एक सेकंड सुनिए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप करें राहुल जी करें तो बड़ा महान, अरे और ये उत्तर करें दे तो रहे हैं कैरेक्टर राहुल ढीला। गांधी, उत्तर देना या गलत तो है। कुछ सही प्रश्न है या पूछिए गलत और हम उत्तर दे तो हम गलत कर रहे हैं। है, अरे ये सही कत्ल और भी गलत। कर दे तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भर दे तो हो जाते हैं बदनाम। धर्म और राजनीति, धर्म और देखिए राजनीति ये को तो वो है मिलाना ना, अच्छा है ना? फिर पवन खेड़ा जी धर्म कह के नाम दीजिए, पे बांटते ये हैं, धर्म धर्म और के नाम राजनीति पे को हिंसा मिलाना ये अच्छा है फैलाएं ना? और हम मंदिर चले जाएं तो हम बदनाम हो जाएं। लानत है ऐसे इनकी राजनीति पर। अगला सवाल अच्छा ये आइए जल्दी आइए, बताइए मुस्लिम आरक्षण की बात कौन करता है इसके बाद। ये, और मंदिर में गोली चलवाने वालों का समर्थन कौन करता है ये, महबूबा मुफ्ती और का समर्थन मुलायम किसने सिंह किया? यादव कहता है कि इन्होंने मैंने 16 पर वार नीतीश कुमार का का समर्थन 40 पर जाते तो कम नहीं था। वो ये नीतीश कुमार को 1966 में सत्ता में बैठे ताला भी तो मरवाने इन्होंने वाले, ये खुलवाया था, 1990 में कार से ताला भी तो इन्होंने मरवाने वाले, ताला खुलवाया तो तालियां। जब हम कहें सर्वोच्च न्यायालय, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, शर्म करो, ताला आपने खुलवाया क्या अदालत में? करो भाई, ताला आपने खुलवाया क्या अदालत में? रखो ताला आपने हमने खुलवाया तो कि अदालत में, इसका मतलब फैला अदालत को यह प्रभावित कर रहे थे हम अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सबूत दो, नरेंद्र मोदी को सबूत दो प्रभु, जुडिशरी के बारे में अगर हम मंदिर चले गए तो क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? हम मंदिर जाते हैं तो आपकी भावना क्यों बिगड़ जाती है? हमारी भावना कहां बिगड़ गई? हम तो कह रहे मंदिर नहीं जाएंगे, एक दिन वो आएगा 12 12 राहुल गांधी। अगला सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल पवन जी से है। कांग्रेस पार्टी पहले जब चुनाव हो रहे थे तब कह रही थी कि राम राज्य है, उसके बाद जब चुनाव बीजेपी उसके चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि राम राज्य अब नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम पर राजनीति करती है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई राम राज्य कोई राजनीति नहीं है। राम राज्य बोलना, मैं बताता हूँ, राम राज्य एक आदर्श राज्य को राम राज्य कहते हैं। चुनाव का श्री गणेश किया था 1989 में राजीव गांधी ने फैजाबाद में राम राज्य के नारे के साथ, राम के नाम पे राजनीति चुनाव में आपने जोड़ी थी। सर मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से, आप राम के नाम पे कितना वोट बटोरेंगे? बड़ा सीधा सवाल, अच्छा सवाल है, आप पत्रकारिता पढ़ रही हैं। कब तक सर? बिल्कुल, हम वोट नहीं बटोरते। कहा क्या गया है, राम नाम के पट्टरे देबे को कछु नाही, काले गुरु संतोष या हौस रही मन मरे। राम पर श्रद्धा रखो, इतना मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी, आप गिन नहीं पाओगे। और इसीलिए अच्छा, आप कोई नहीं ये बात समझ सकता क्योंकि उन्हीं के नाम पर आपकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। राम के नाम पर इस देश की पॉलिटिक्स नहीं, ये देश बना था तो राम के नाम पे, जब महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य। मगर अफसोस 21वीं सदी आते आते इन्होंने कह दिया राम तो थे ही नहीं, वो काल्पनिक थे।